नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रॉनिक पैनक्रीटाइटिस के बारे में। हम बात करेंगे उन सब सवालों के बारे में जो एक क्रॉनिक पैनक्रीटाइटिस के मरीज के दिमाग में आते हैं। हम बात करेंगे कि ये होता क्या है, ये किन कारणों की वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आपको पता चले कि ये आपको बीमारी है या नहीं है, इसका डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट के लिए यानी कि पेन को कम करने के लिए हम कर क्या सकते हैं। मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूं और मैं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। क्रॉनिक पैनक्रीटाइटिस, क्रॉनिक यानी कि लंबा रहने वाली परेशानी। पैनक्रियास एक ऑर्गन है जो कि पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। ये करीब 6 से 10 इंच लंबा होता है और इसका काम होता है हॉर्मोन्स बनाना जैसे कि इंसुलिन और एंजाइम्स बनाना जो हमें खाना डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जब हम इन सब शब्दों को जोड़ देते हैं, क्रॉनिक लंबा रहने वाली पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन पैनक्रियास की दो तरह की हो सकती है, एक्यूट यानी कि जो एकदम से हो, और अगर ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक ना हो पाए या बार बार होती रहे तो ये पैनक्रियास में इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करती है जिसे हम क्रॉनिक पैनक्रीटाइटिस कहते हैं। ज़्यादातर ये परेशानी आदमियों में देखी जाती है 30 से 40 साल की उम्र में खास करके, और हम आज इससे उठने वाले दर्द के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इससे उठने वाला दर्द काफ़ी सिवियर होता है और इसी की वजह से बहुत बार लोगों को बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है क्योंकि वो दर्द घर पर मैनेज नहीं हो पाता है। तो आइए आगे चलते हैं और इस बीमारी के बारे में और जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे ये क्रॉनिक पैनक्रीटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं यानी कि मरीज़ को क्या महसूस होता है। तो सबसे बड़ी परेशानी इस बीमारी में रहती है दर्द की। ये दर्द ज़्यादातर पेट के ऊपरी हिस्से में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खाली ऊपर ही रहे, पूरे पेट में भी फैल सकता है। ये दर्द हर समय रह सकता है या बहुत बार आता रहता है और जाता रहता है, और इस दर्द को ज़्यादातर मरीज़ एक भारीपन की तरह या एक शार्प पेन की तरह जैसे कि कोई चाकू मार रहा हो या एक जलन की तरह या एक क्रशिंग सेंसेशन की तरह डिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा ये जो दर्द है ये खाना खाने से, पानी पीने से या अल्कोहल पीने से बढ़ जाता है। बहुत सारे मरीजों को आगे की तरफ झुकने से आराम महसूस होता है। दर्द के साथ साथ में इंसान की खाने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है और बहुत ही बार उनको साथ में उल्टी जैसा लगता है या उनके वज़न में भी कमी आने लगती है। इसके अलावा बहुत बार मरीज़ ये भी बोलता है कि उन्हें एक जो उनके स्टूल है वो बहुत ही फाउल स्मेलिंग है, वो पेल सा और ऑयली सा लगता है, उसे फ्लश करने में बहुत परेशानी होती है। अगर हम बात करें कि ये पैनक्रीटाइटिस, क्रॉनिक पैनक्रीटाइटिस होता किन कारणों की वजह से है, तो 3 प्रमुख कारण हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। पहला कारण अल्कोहल, दूसरा कारण अगर पैनक्रियास की डक्ट्स में किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाए, और तीसरा कारण हाइपरलिपिडीमिया यानी कि अगर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो आपके बॉडी में अगर उनका लेवल ज़्यादा हो तो उनकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। अल्कोहल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस ट्रिगर को अगर इसको हम हटा दें तो उससे आराम मिल सकता है। ब्लॉकेज के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो भी एक ट्रीटेबल कॉज हो सकता है कोई स्टेंट डाल के या स्टोन को निकाल करके, और ऐसे ही हाइपरलिपिडीमिया उसको भी दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अन्य कारणों की बात करें तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। पेट में अगर चोट लगी हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो उनकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें हमारा शरीर हमारे शरीर के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, उनमें भी ये परेशानी देखी जाती है। और बात करें तो कुछ ऐसी स्थिति हैं या ऐसी बीमारियां हैं जो जनरेशन टू जनरेशन हेरिडेटरी पास होती हैं, उनकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। बहुत सारी दवाइयां भी ये परेशानी कर सकती है। और अंत में बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम इसका कारण जान ही नहीं पाते हैं और उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट बोलते हैं इसके लिए उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज बना रखी हैं कि क्यों होता है ये। उसमें एक थ्योरी ये कहती है कि अगर कहीं डक्ट्स में ब्लॉकेज आ रही है तो उसकी वजह से पैनक्रियास के खून के बहाव में फ़र्क पड़ता है और उसकी वजह से दर्द आ सकता है। एक और थ्योरी कहती है कि जो नसें हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, चाहे वो नसें पैनक्रियास के हम बात करें या नसें बात करें जो स्पाइन के अंदर होती हैं या ब्रेन के अंदर होती हैं, उनकी सेंसिटिविटी से भी ये दर्द आ सकता है।
तो और ये भी देखा गया है कि लगभग 30% लोगों में अगर हम पैनक्रियास को हटा भी दें तो उसके बाद भी दर्द बना रह सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सारा का सारा जो दर्द है वो पैनक्रियास से नहीं आ रहा है बल्कि उसके अन्य भी कारण हैं। तो अब एक और अहम सवाल यह है कि इस बीमारी को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, और अर्ली स्टेजेस में ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इसको डायग्नोस करने के लिए हम बहुत सारी इमेजिंग मोडालिटीज़ की मदद लेते हैं, और उसमें प्रमुख है पेट का सीटी स्कैन या एक एमआरआई, जिसके साथ में हम एमआरसीपी भी करते हैं। कई बार हम एक कैमरा डाल करके अल्ट्रासाउंड करते हैं या ईआरसीपी करते हैं ये देखने के लिए कि ये बीमारी हो सकती है या नहीं। उसके अलावा हम मदद लेते हैं ब्लड टेस्ट की, हम ब्लड में मेजर कर सकते हैं एंजाइम्स जो पैनक्रियास से प्रमुखता रिलीज़ होती हैं, जैसे कि अमाइलेज हो गई, लाइपेज हो गई, ट्रिप्सिनोजन हो गई। और अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी कि हमारे शरीर ही हमारे शरीर के खिलाफ काम करके ये प्रॉब्लम को जनरेट कर रहा है, तो उसके लिए अलग ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि IgG4। तो टेस्ट बहुत सारे हैं और ये कराना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें ये पता चलता है कि कारण क्या है तो उसका जो एक इम्प्लीकेशन रहता है ट्रीटमेंट में रहता है, यानी कि कारण के हिसाब से ही ट्रीटमेंट की जाती है। तो अब हम बात करेंगे सबसे अहम चीज़ के बारे में, यानी कि पेन को मैनेज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़, इसके लिए हमें एक टीम चाहिए होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यानी कि इसमें सर्जन्स भी होंगे, डायटिशियंस भी होंगे, पेन स्पेशलिस्ट भी होंगे, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भी होंगे। ये सब लोग मिल करके आपको बेस्ट आउटकम देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, ट्रीटमेंट इस पर भी निर्भर करेगी कि कारण क्या है। जैसे कि अगर कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है कोई डक्ट की, तो उसको सर्जिकली ठीक किया जा सकता है। अगर ऑटो इम्यून कंडीशन है तो उसके लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके उठने वाले दर्द को कैसे मैनेज करेंगे, तो उसमें तीन प्रमुख चीज़ें हैं। पहली चीज़ लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरी चीज़ दवाइयाँ, और तीसरी चीज़ इंटरवेंशन। लाइफस्टाइल चेंजेस की हम कुछ हद तक बात पहले ही कर चुके हैं, जैसे कि अल्कोहल को छोड़ना, सिगरेट को छोड़ना, क्योंकि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको ये प्रॉब्लम होने का चांस जल्दी होता है और 2.8 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर हम डाइट की बात करें तो इसकी मॉडिफिकेशन एक बहुत ही असेंशियल कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का। डाइट में ज़रूरी है कि आप छोटे मील्स लीजिए, लो फैट डाइट लीजिए, विटामिन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा बहुत बार एंटी ऑक्सीडेंट थेरेपीज़ को भी इस्तेमाल किया जाता है। डाइट में मीट और नॉन वेजिटेरियन फूड को कम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा रिफाइंड फूड जैसे कि ब्रेड हो गया, पास्ताज हो गए या शुगर हो गए, इनको भी कम करने की ज़रूरत है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी ऐड की जाती हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये खाने की डाइजेशन में, उसको पचाने में हमारी मदद करती हैं। तो अगला अहम कंपोनेंट जो ट्रीटमेंट का है वो है दवाइयाँ। दवाइयों में हम विभिन्न प्रकार की दवाइयों को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। उसके अलावा हम सिंपल तरह के पेन किलर्स यूज़ करते हैं, बहुत बार स्ट्रॉन्ग तरह के पेन किलर्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा, क्योंकि आपने पहले भी ये समझा कि नसों की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो नसों पे काम करने वाले दर्द निवारण दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार इस बीमारियों की वजह से एंग्जाइटी होती है, तो एंग्जाइटी कम करने वाली दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, एसिडिटी कम करने वाली दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, जो एक इंसान को नज़र में रख करके डिसाइड किया जाता है कि उनकी क्या परेशानियां हैं और उनके लिए कौन सी दवाइयां बेस्ट काम करेंगी। तो अगर आप इन विषयों में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है removemypain.com। तो आगे चलते हैं, जो कि एक और अहम भाग है ट्रीटमेंट का, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था, वो है प्रोसीजर्स या इंटरवेंशंस। अब यहाँ पे हम उन प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं जो दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो दर्द है वो एक सिग्नल की तरह हमारे पेट से होता हुआ, एक नर्व्स का गुच्छा होता है पेट के ऊपरी भाग में, जिसे हम सीलियाक प्लेक्सिस कहते हैं, उसके थ्रू होता हुआ हमारे स्पाइन से होता हुआ ब्रेन तक पहुँचता है, और ये ब्रेन है जहाँ पर हम ये दर्द महसूस करते हैं। तो ये जो नसों का गुच्छा है, जिसे हम सीलियाक प्लेक्सिस कहते हैं, इसमें जो सबसे अहम नसें हैं उनका नाम है स्प्लैंकटिक नर्व्स। तो जो भी हम प्रोसीजर करते हैं इन दर्द को कम करने के लिए, इस कंडीशन के दर्द को कम करने के लिए, उसमें या तो हम उस सीलियाक प्लेक्सिस को टारगेट करते हैं, या उसकी जो अहम नसें हैं जिसे हम स्प्लैंकटिक नर्व्स कहते हैं उनको टारगेट करते हैं।
तो सवाल ये उठता है कि हम किस तरह के प्रोसीजर्स कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है डायग्नोस्टिक ब्लॉक। डायग्नोस्टिक मतलब कि डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए या ये जानने के लिए कि जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं वो काम करेंगी या नहीं करेंगी। इस प्रोसीजर में हम कोई इमेजिंग मोडालिटी यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया या सीटी स्कैन हो गया। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम इन नसों के पास में दवाई डालते हैं और उस दवाई में होता है लोकल एनेस्थेटिक और कभी कभी हम उसमें स्टेरॉइड्स भी डालते हैं। तो जब हम ये दवाई डालते हैं, अगर उन नसों के सुन होने से आपका दर्द चले जाता है तो हमें ये बात पता चलती है कि हाँ, ये दर्द वहीं से आ रहा है, और अगर हम इन नसों के ऊपर कोई और ट्रीटमेंट करें तो उससे आपको लंबा आराम मिल सकता है। तो ये तो हो गया डायग्नोस्टिक ब्लॉक। उसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो दो विभिन्न प्रकार की ज़्यादातर होती है। पहली चीज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी और दूसरी चीज़ न्यूरोलिसिस। एम इन दोनों ट्रीटमेंट का ये है कि इन नसों को किसी तरीके से निष्क्रिय करना या इनकी जो दर्द ले जाने की या दर्द के सिग्नल को ट्रांसमिट करने की जो क्षमता है उसको कम करना। और ये हम कम कर सकते हैं या तो रेडियो फ्रिक्वेंसी से या फिर कोई स्ट्रॉन्ग दवाई डाल करके, जिससे कि ये नसों की काम करने की क्षमता कम हो जाए। तो इन प्रोसीजर्स का नाम मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। इनका नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ स्प्लैंकनिक नर्व्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी में हम खास तरह की नीडल्स यूज़ करते हैं जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन से कनेक्ट करते हैं, और इन नीडल्स को हम एक्सरे की गाइडेंस से जहाँ पे नसें होती है वहाँ तक ले जाते हैं। और जब ये सही जगह पे पहुँच जाती हैं तो नीडल की टिप जो है वो हीट हो जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से, और उसकी वजह से जो इन नसों में जो दर्द का सिग्नल जा रहा है उसमें कमी आ जाती है और आपके दर्द में आराम आ जाता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, मिनिमली इन्वेजिव है, और इसमें आपको ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में दाखिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टांके नहीं लगते हैं, और आपको जल्द ही डिस्चार्ज भी किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आप प्रोसीजर के बाद कैसे हैं। दूसरे प्रोसीजर की जो मैंने बात करी थी वो था न्यूरोलिसिस। न्यूरो मतलब नसों, लिसिस मतलब उनको काटना या निष्क्रिय करना, और ये काम हम करते हैं इस पर एक स्ट्रॉन्ग दवाई डाल के जो कि इन नसों को एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जला देती हैं या बिल्कुल काम करने की इनकी क्षमता है उसको कम कर देती हैं। तो ये दोनों ही प्रोसीजर किए जा सकते हैं, लेकिन जब हम ये दवाई डालते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये उस पूरे एरिया में फैलती है, और कितना फैलती है और किन किन चीज़ों पर काम करती है वो हमारे कंट्रोल से थोड़ा बाहर हो जाता है। इसीलिए पर्सनली मेरा प्रेफरेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरफ ज़्यादा रहता है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं जब हम जिनको हम नाप तोल के डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी रहेगी, न्यूरोलिसिस या रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभदायक जानकारी मिली होगी, और अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं और ये आपको तंग कर रही है या आपको बार बार इसकी वजह से अस्पताल में दाखिल होना पड़ रहा है तो इस दर्द को कंट्रोल करने के विकल्प हैं, और ज़रूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट से राय लें और जो वो सजेस्ट करें उसको फॉलो करें। तो मुझे उम्मीद है उससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। नमस्कार।